अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं जी आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में टेक्निकल गुरु में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल टेक्निकल गुरु को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं और मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल टेक्निकल गुरु को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा चैनल टैक्स से रिलेटेड है, तो हमने हमेशा आपको एक अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो फराहम की है, और इंशाल्लाह इस बार भी हम आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जाएँगे कि आपके लिए वो बेस्ट होगी। आज का हमारा रिव्यू किससे रिलेटेड है? रिव्यू नहीं, आज हम आपको कुछ सजेशन देंगे और वो सजेशन किससे रिलेटेड होंगे इंशाल्लाह वो भी आपको प्रॉपर बताएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि आज कल जो है ना एंड्रॉयड फ़ोन जो है ना वो हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है, तो हर इंसान बाय कर रहा है। तो आज मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ कम प्राइस में एक अच्छी जो है ना अच्छे फीचर्स वाला फ़ोन, और ज़्यादा फीचर्स वाला फ़ोन आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ। तो वो कौन सी कंपनीज़ हैं, तो उनके बारे में मैं बात करता चलूँ कि पहले अगर आप देखें कि पहले सैमसंग का फ़ोन अगर आप देखें, सैमसंग का फ़ोन जो है वो कम से कम बजट में भी, मतलब कम ज़्यादा से 20,000 के बजट में ना वो एक अच्छा फ़ोन नहीं आता, मतलब कम स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन आता है। तो आज हम सब की ज़रूरत ये होती है कि हम जो है ना वो एक कम बजट वाले कम बजट में कम प्राइस में अच्छा फ़ोन बाय करें। तो वो कौन सा फ़ोन है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और कौन सी कंपनीज़ हैं? तो ओप्पो का फ़ोन देख लें, वो भी इसी तरह ही है, वो भी जो हैं वो जो सैमसंग है उनसे कुछ ना कुछ इस प्राइस रेंज के अंदर थोड़े से अच्छे फ़ोन आ जाते हैं। उसके बाद बात करते चलें हम वीवो की, तो वीवो भी अच्छे और स्मार्टफोन अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन आपको दे रहा है, लेकिन जो सबसे कम प्राइस में फ़ोन है ना वो है इन्फिनिक्स और टेक्नो। वही फ़ोन इन्फिनिक्स और टेक्नो का उसी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको वो फ़ोन मिलेगा 30,000 रुपये का, और वही फ़ोन आपको अगर आप जा रहे हैं कि मैंने सैमसंग में लेना है, वही फ़ोन आपको कम अज़ कम 50,000 प्लस जो है ना वो आपको पड़ेगा। तो ये सीन है, इस तरह की चीज़ें हैं जी, इनको काइंडली आप जो है ना वो गौर किया करें चीज़ लेते हुए, कि ज़रूरी नहीं है कि आप सैमसंग का फ़ोन लें। हमें अच्छे फ़ीचर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे फ़ीचर्स चाहिए होते हैं, हमें कम बजट में ज़्यादा फ़ीचर्स वाला फ़ोन चाहिए होता है। तो कोशिश किया करें कि इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोन बाय किया करें, क्योंकि ये एक जो है ना नॉर्मल प्राइस के फ़ोन होते हैं और कम प्राइस वाले फ़ोन होते हैं, और इनमें फ़ीचर्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया, बाकी बैटरी के लिहाज से भी ये बेस्ट फ़ोन है, तो अलबत्ता मैंने खुद यूज़ किए हैं तो बेस्ट आई है। तो दूसरी बात मैं करता चलूँ कि इसके सैमसंग के फ़ोन, ओप्पो के फ़ोन, ये जो है ना वो हाई बजट, थोड़े से हाई बजट वाले फ़ोन हैं, और ये बाकी यही बात है कि आप जब भी आप इनमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन लेंगे तो आपको हाई बजट में मिलेगा, मतलब कि उसी स्पेसिफिकेशन में इन्फिनिक्स का आपको 30,000 का मिलेगा, उसी स्पेसिफिकेशन में अगर आप ओप्पो में लेना चाह रहे हैं, आप सैमसंग में लेना चाह रहे हैं, वो आपको 60 या 50,000 प्लस मिलेगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, फ़ोन से रिलेटेड हमने आपको एक अच्छी इशारत दी कि लो बजट में आप अच्छे फ़ोन कैसे हासिल कर सकते हैं, और कौन सी कंपनीज़ हैं जो लो बजट में आपको एक अच्छे और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन फराहम करती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके।